नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल पे। चैनल पे नए तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करें आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से। जी हाँ, 9 मार्च के दिन राज साहब ठाकरे ने अपने कार्यक्रम के दौरान मिमिक्री करके संजय राउत की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय पहले जब तक कैमरा ऑफ होता है तो संजय राउत काफ़ी नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा स्टार्ट होता है, जैसे ही न्यूज़ चैनल वाले सामने आ जाते हैं, वो अपनी भौहें ऊपर करके कुछ इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं कि ऐसा लगता है कि आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद तो समझिए संजय राउत ने भी पलटवार कर दिया है। दूसरी तरफ राज साहब ठाकरे ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से जो है सेहत का हवाला देते हुए बीएमसी चुनाव को आगे ढकेला है ताकि एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा वो और समय तक सत्ता में रह सके। और उनके अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि चाहते हैं कि बीएमसी का जो चुनाव है वो आने वाले बरसात तक जो है टेला रहे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही मुद्दों पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि अगर ईडी उनके ऊपर बेवजह और उनकी पार्टी के ऊपर बेवजह अगर छापेमारी करती तो वो चुप नहीं रहेंगे और उसका वो मुंह तोड़ जवाब आप देंगे।